एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी यहां पर स्टार्ट कर दी था पूरा, जो लेक्चर है पार्ट 10 ऑलरेडी आ चुके हैं। ये पार्ट नंबर 11 है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं इंक के बारे में, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये पढ़ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। तो कोई ऐसे बहुत भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसमें पेपर रहेगा, पेपर के ऊपर पेन यूज होगा, पेन के ऊपर पेंसिल यूज होगी। तो हमने पेपर पढ़ लिया, हमने पेन पढ़ लिया, अब पेन में क्या होता है, इंक होती है। तो आज के लेक्चर में हम इंक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे आपके इसी लेक्चर के साथ में। इसके बाद में कुछ होते हैं सीक्रेट राइटिंग या इरेजर्स, ऑल्टरेशंस कैसे की जाती है डॉक्यूमेंट में, सिग्नेचर क्या होते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स का, वो सब लेक्चर्स भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। उससे पहले अगर आप नए हो तो पहली बात तो पुराने लेक्चर जरूर देख लेना, तभी आपको बाकी का जो है पूरा समझ में आएगा। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारा का सारा कॉन्टेंट आपको इसी चैनल पर मिलता है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसमें आपको ये समझनी है कि इंक क्या है, व्हाट इज इंक। तो इंक एक टाइप का कलर्ड लिक्विड है ना, जो कि प्रोड्यूस होता है कलर्ड सरफेसेस पे, यूज टू प्रोड्यूस कलर्ड सरफेस इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड में, चाहे वो इमेज पेंटिंग हो, चाहे वो टेक्स्ट राइटिंग हो, या किसी भी तरीके की डिजाइन बनानी हो, हम इंक का यूज करते हैं। हम पेन में इंक का यूज करते हैं, हम प्रिंटर में इंक का यूज करते हैं, हम ड्रॉइंग में भी कई बार इंक का यूज करते हैं, हम इंक का यूज जो है वो बहुत सारी चीजों में किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इंक ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, तो ये इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट में यहाँ पर सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ था। सबसे पहले हुआ क्या था, द एंशियंट इजिप्शियंस जो थे, इजिप्शियंस जो थे उन्होंने रेड पेन और नीडेड इंक यहाँ पे निकाली। अब 2697 BC में इजिप्शियंस ने इंक को डेवलप कर दिया था, लेकिन 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 ध्यान रखना हर चीज चाइना में डेवलप होती है। तो चाइना वालों को लगा कि अरे इंक जो है ये इजिप्ट में कैसे डेवलप हो गई, ये तो हमें डेवलप करनी चाहिए। तो इसके बाद में 23rd century BCE में चाइनीज ने भी स्टार्ट कर दिया, चाइनीज ने भी नेचुरल डाई मिक्स करके ग्रेफाइट वगैरह में और वाटर मिला के अलग अलग तरीके से इन्होंने इंक बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने भी धीरे धीरे जो है इंक का आविष्कार कर दिया था। इवन इन्होंने क्या करा था, एक चीज थी कि कुछ फिश की जो स्किन होती है वो भी इन्होंने कुछ मिक्स करके एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया था। तो अब इसके बाद में ये सबसे पहले इजिप्ट में बना, फिर इन्होंने चाइना में जो है वो बनाया, फिर आई थी इंडिया इंक। इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गए, तो फिर इंडिया इंक आई थी। इंडिया इंक वॉज प्रोड्यूस डेवलप्ड इन इंडिया 4th century BCE में ये आई थी। इट वॉज मेड फ्रॉम बॉन्ड बोन्स टार पिच एंड अदर सब्सटेंसेस को मिला के बनाई गई थी। राइटिंग वॉज डन यूजिंग दिस इंक एंड अ शार्प पॉइंटेड नीडल। एक नीडल लेते थे, इंक लेते थे, उसमें डोबते थे, फिर लेते थे, डोबते थे, फिर लिखते थे। इस तरीके से जो है यहाँ पे इंक का यूज किया जाता था। अब देखो मेन बात पर आते हैं हम कि इंक में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इंक के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट होता है, पिगमेंट होता है, डाई, रेजिन, ल्यूब्रिकेंट, सॉल्युबलाइजर, सर्फेक्टेंट, पर्टिकुलर मैटर, फ्लोरोसेंस और अदर मटेरियल्स भी होते हैं। सबके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, और हर एक कॉम्पोनेंट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब देखो मेन जो हम यहाँ पे इंक फॉर्मूला वेरी करता है, बट कॉमनली चार जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है कलरेंट। अब कलरेंट क्या है, कलरेंट जो होता है ये सब्सटेंस है दैट इज एडेड, जिसको हम एड करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो चेंज द कलर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कलर। जैसे इंक हमने व्हाइट पेपर है, हमें उस पर लिखना है, तो हमने ब्लू कलर चाहिए, तो हमने कलरेंट डाला ब्लू, तो वो ब्लू कलर की इंक हो गई, ब्लैक तो ब्लैक कलर की इंक हो गई, ठीक है। तो ये कलरेंट है, हमने उसको क्यों डाला, सब्सटेंस दैट इज एडेड और अप्लाइड इन ऑर्डर टू चेंज द कलर ऑफ मटेरियल और सरफेस, ये कलरेंट होता है। फिर आता है व्हीकल। व्हीकल का मतलब क्या है, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज है, ये इंक को, इंक का व्हीकल है, इंक का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कैसे, इसी को हम बाइंडर्स भी बोल देते हैं। ये बेसिकली फ्लूइड पार्ट है, इंक को फ्लो कराता है। कैसे, पिगमेंट टू सबस्ट्रेट, कहां से,
पिगमेंट टू सबस्ट्रेट इसको ट्रेवल करवा रहा है। तो ये क्या एक तरीके का व्हीकल ही है, ट्रांसपोर्ट करता है इंक को। फिर आता है एडिटिव्स। एडिटिव्स का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ड्राइंग में हेल्प करते हैं। अब हमने इंक से लिखा, अब इंक को सुखाना भी तो जरूरी है पेपर पर, क्योंकि अगर सुखाएंगे नहीं तो क्या होगा, फैल जाएगी वो। तो ये ड्राइंग में हेल्प करता है, इंक को सुखाने में काम करता है। फिर आते हैं कैरियर सब्सटेंसेस। अब कैरियर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कैरियर सब्सटेंसेस बेसिकली ये हेल्प करते हैं, जैसे हमने इस पर लिखा पेपर पे, अब ये इंक पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। तो ये जो कैरियर सब्सटेंसेस हैं ये उसी में हेल्प करते हैं कि कलर जो आपका कलरेंट इंक है वो पेपर में पेनिट्रेट कर जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये इसलिए कैरियर सब्सटेंसेस जो हैं ये ऐड किए जाते हैं। समझ में आ गई चारों चीजें। इसके बाद में अब आगे बढ़ेंगे हम, अब की इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पिगमेंट डाले जाते हैं, अलग अलग तरीके के पिगमेंट ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। डिस्पर्सेंट्स डालते हैं, सर्फेक्टेंट एंड पॉलीमर्स का यूज करते हैं। रेजिंस और पॉलीमर्स जो है वो बाइंडिंग में इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, इम्प्रूव्स बाइंडिंग। फिर ह्यूमेक्टेंट्स रिटार्ड प्री मैच्योर ड्राइंग, पहले ही सूख गई, पता चले लिख ही नहीं पाया वो पहले ही सूख गई, तो ये उसमें यूज होते हैं। डिफॉर्मर्स एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं। वेटिंग एजेंट्स एनहेंसिंग कॉन्टेक्ट विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से कॉन्टेक्ट को एनहेंस करने के लिए वेटिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। पीएच मॉडिफायर्स डालते हैं। फिर बायोसाइट्स एंड बैक्टीरियोसाइट्स, मतलब भाई कीड़े मकोड़े, पता चले मैंने कागज में लिखा थोड़े दिन बाद उसमें सड़ गया, वो कीड़े लग गए, तो ये भी डालना जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आ गया ये की इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंक पे, कितने तरीके की इंक होती है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंक के, जिसमें सबसे पहले आती है हम बात करेंगे इंडियन इंक की। इंडियन इंक कैसी होती है, अमॉर्फस कार्बन होता है इसमें। कैसे बनता है, फॉर्म्स अ लैम्प ब्लैक मेड इनटू केक विथ हाइट ग्लू, ठीक है। ये अमॉर्फस यानी पाउडर्ड, अमॉर्फस का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन से जो है ये बनाई जाती है। इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, ब्लैक ब्लू हो सकता है। इज गवर्न्ड बाय क्वालिटी ऑफ लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपका जो इंक है उसका कलर क्या होगा। तो ये है इंडियन इंक। इंडियन इंक के बाद में आता है आपका फाउंटेन पेन इंक। फाउंटेन पेन वही पेन में डालते हैं ना, बोर्ड पर लिखने के लिए भी हम यूज करते हैं, अपना इंक पेन जो है उसमें भी डालते हैं। मैंने जब पेन पढ़ाया था तो उसमें इंक पेन में फाउंटेन पेन के बारे में बताया था, बॉल पेन के बारे में बताया था, अलग अलग पेन के बारे में बताया था। तो फाउंटेन पेन इंक में क्या होता है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्लू ब्लैक परमानेंट और नॉन स्टेनिंग। अब ब्लू ब्लैक परमानेंट क्या होता है, दिस इज अ रिकॉर्ड इन विच इट कंटेन्स अबाउट हाफ द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन कंपाउंड विथ एन इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ डाई स्टफ। आयरन कंपाउंड और डाई स्टफ का यूज करके ये बनाया जाता है और ये परमानेंट होती है इंक, मिटा नहीं सकते आप इसको। नॉन स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें नो आयरन सॉल्ट, आयरन सॉल्ट होता ही नहीं है। And is little more than a dilute aqueous solution, ठीक है, dilute aqueous solution से थोड़ा सा ज्यादा होता है। One or more synthetic dyestuffs का इसमें भी use किया जाता है, dyestuffs का use करके fountain pen ink बनाई जाती है। Ball point pen ink की अगर हम बात करें तो this ink is based on polythene glycols. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिथीन ग्लाइकोल्स पर बेस है, ऑफ सूटेबल विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो आपको पता ही क्या होता है, दे आर नॉन हाइड्रोस्कोपिक, ये नॉन हाइड्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। एंड इट्स डाई स्टफ इज हाई टिंटोरियल पाउडर, ठीक है। तो बॉल पॉइंट में जो है बढ़िया अच्छी इंक होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में लॉग वुड इंक और आयरन गर्ल इंक होती है। लॉग वुड इंक क्या होता है, इसमें क्रोमियम सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं, एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लॉग वुड चिप्स, लॉग वुड ये है लॉग वुड, ठीक है। तो लॉग वुड की चिप्स के साथ में क्रोमियम सॉल्ट डाल दिया और एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है, एक्वस लॉग वुड का एक्वस एक्सट्रैक्ट, एक्वस मीन्स यहाँ पे लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है, उसके साथ मिक्स करके बना दी जाती है लॉग वुड इंक। फिर आयरन गर्ल इंक क्या होती है, पर्पल ब्लैक कलर की या फिर ब्राउन ब्लैक कलर की होती है। आयरन सॉल्ट और टैनिक एसिड वेजिटेबल सोर्स होता है बेसिकली, ठीक है, वेजिटेबल्स से टैनिक एसिड और आयरन सोर्स निकाल के उससे बनाई जाती है, ये होती है आपकी आयरन गर्ल इंक, ठीक है। इतने टाइप की ही इंक है आई गेस। इसके बाद में कुछ स्पेशल इंक के बारे में बताया गया है, जैसे कि
प्रिंटर्स इंक होती है जो प्रिंटर में यूज करते हैं, जिसमें कार्बन होता है, एडेसिव्स होते हैं, ड्राइंग ऑयल्स होते हैं. क्या क्या होता है? कार्बन, एडेसिव्स होते हैं और ड्राइंग ऑयल होते हैं इसमें. ठीक है, ये जो प्रिंटर्स की इंक होती है. फिर आती कैंसिलेशन इंक, तो ये पोस्ट ऑफिस में यूज होती है, पोस्ट ऑफिस में इस इंक का यूज किया जाता है और ये प्रिंटर इंक के जैसी ही होती है, सिमिलर टू प्रिंटर्स इंक. फिर आती स्टैंप पैड इंक. स्टैंप पैड इंक में क्या होता है? डाई स्टफ्स होते हैं, ठीक है, डाई स्टफ्स आपके प्रेजेंट होते हैं. ग्लूकोज होता है इसमें, ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल या फिर ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल या फिर ग्लाइकॉल भी प्रेजेंट होता है स्टैंप पैड. वो स्टैंप पैड आता है ना, इसमें से अंगूठा लगा के बुक कर सकते हैं, ये वो है. फिर आती है टाइपराइटर इंक. टाइपराइटर इंक में डाई स्टफ होता है और ऑयल होता है. कौन सा ऑयल होता है? कैस्टर ऑयल. डाई स्टफ होंगे इसमें और कैस्टर ऑयल प्रेजेंट होता है इसमें. कैस्टर बीन्स ऑयल निकालता है वो इसमें प्रेजेंट होता है. और इसमें इसमें कई बार कार्बन भी होता है. कार्बन किस लिए होता है? फॉर परमानेंसी. कार्बन फॉर परमानेंसी, यानी कि मिटे ना भाई वो इंक. हम टाइपराइटर से अगर प्रिंट करा रहे हैं तो हमें परमानेंट चाहिए ना, पता चले प्रिंट करा के घर पहुंचे, हाथ लगा मिट गई, तो कार्बन भी होता है परमानेंसी के लिए. समझ में आ गए? तो ये कुछ स्पेशल टाइप की इंक्स होती हैं. इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे. अब हम इंक का एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है. तो इंक के एग्जामिनेशन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. इसको हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या ऐड किया गया है, ऑब्लिट्रेशंस क्या है, इरेजर्स क्या है, एज ऑफ राइटिंग कब लिखा गया था, रीस्टोर फेडेड राइटिंग. फेडेड राइटिंग को हम रीस्टोर भी कर सकते हैं. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आता है विजुअल एग्जामिनेशन. हमें कोई भी कागज मिला है, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं हम. मान लो ये मिला है, ये हमें डॉक्यूमेंट मिला है, ये रहा डॉक्यूमेंट. हम सबसे पहले क्या करेंगे? विजुअल एग्जामिनेशन. इस पे हम डायरेक्ट लाइट देखेंगे कि लाइट पड़ रही है. हम लाइट में ले जाके उसको भाई अपने तरीके से यू करके हम विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे. सबसे पहली चीज तो अलग अलग एंगल्स पर रख के या ट्रांसमिटेड लाइट टॉर्च मार के हम देखेंगे कि हमें क्या दिख रहा है इसमें. तो ये विजुअल एग्जामिनेशन है, इसमें हमने और कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करा है. हो गया. फिर मैग्नीफायर. अब मैग्नीफाइंग ग्लास से लेके हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टीरियो माइक्रोस्कोप का भी हम यूज कर सकते हैं. स्टीरियो माइक्रोस्कोप का यूज करके हम इस डॉक्यूमेंट में या इंक का एग्जामिनेशन कर सकते हैं. सबसे ज्यादा यूजफुल यही होता है. फिर आते हैं फिल्टर्स. अब फिल्टर्स क्या है? फिल्टर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, जिससे कि हम इंक शेड्स को डिफरेंशिएट कर सके. इंक शेड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर जो है फिल्टर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, जिसमें वो डिफरेंस बता देते हैं. इंक फिल्टर्स लगा के हम जब देखते हैं ना, तो वो इंक शेड्स में डिफरेंस बता देते हैं, कितने शेड्स को मिला के ये इंक बनी है, और पूरा राइटिंग का एवेल्यूएशन कर देते हैं. अगर कोई चीज काटी गई है, ऑब्लिटरेटेड है, ठीक है, मिटाई गई है, ऑब्लिटरेटेड है, या फिर जो है कोई हाईली कलर्ड सरफेस से उसको मान लो लाइट कलर से लिखा था, उसके ऊपर कोई डार्क कलर का यूज करके उसको हटाया गया है, ऑब्लिटरेट करा है, इरेज किया गया है, हाईलाइट किया गया है, तो फिल्टर्स का यूज करके वो सब दिख जाएगा. फिर आती है इनविजिबल रेज. इनविजिबल रेज कौन कौन सी होती है? सॉफ्ट एक्सरे हो जाएगी. सॉफ्ट एक्सरे में भी आप देख सकते हो. इसके बाद में आप देख सकते हो यूवी रेज का यूज कर सकते हो. यूवी के बाद में आप आईआर का भी यूज कर सकते हो. और सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो होती है वो होती है वीएससी. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर ले लिया है, वीएससी और एसडा पे, तो वो वीडियो देख लेना कि ये क्या है. वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैटिटर है, जिसमें आप इसका इंक का एग्जामिनेशन कर सकते हो. वीएससी में सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट आपको रेज मिलती है, जिनके अंडर आप एग्जामिनेशन करते हो. फिर आता है स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस. स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस में क्या होता है? अब यहाँ पे अगर मान लो इंक में मेटल डाला गया है, इफ मेटल इज सस्पेक्टेड इन इंक, अगर मेटल सस्पेक्ट होता है, तो आप स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेशली लेजर माइक्रोप्रोब, ठीक है, मतलब जो स्पेशली जो लेजर का यूज करते हैं. स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस क्या हो सकता होता है? स्पेक्ट्रोग्राफी, बेसिकली स्पेक्ट्रोग्राफी में आप क्या कर रहे हो कि थोड़ी सी इंक लेके आप उसका नेचर
पता कर सकते हो कि उस इंक में क्या क्या चीजें हैं। मेटल डिटेक्ट हो जाएगा, कोई मेटल तो नहीं मिला है, और सारी चीजें जो है स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस से पता चल जाएंगी। फिर आते हैं कुछ केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या हो सकता है, इंक हमें क्या देखना है, इंक में भी किस किस तरीके की इंक हो सकती है। इंक एसिडिक हो सकती है, इंक एल्कलीन हो सकती है, ठीक है, या न्यूट्रल हो सकती है। ठीक है, इंक में भी एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल, और दे मे बी अटैक और मे रेजिस्ट द अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। या तो वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का अटैक को रोक देंगी या फिर उन पर अटैक कर जाएंगे वो। अब यहाँ पे हमें पता कराना है कि भाई हमें इसका देखना है कि इन पे अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या टाइम पे हो रहा है क्या टाइम पे नहीं हो रहा है। तो कुछ केमिकल्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि हम यूज करेंगे क्लोरीन का, CHLORIN, क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं हम, ब्रोमीन वाटर, या फिर एंड स्टेनस क्लोराइड का भी हम यूज करते हैं, स्टेनस क्लोराइड, ये नोट कर लेना, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इन केमिकल्स का यूज हम कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये पता करने की जो नेचर है इंक का वो किस तरीके का नेचर है। समझ में आ गया, ये जो है इंक को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, इनमें बहुत सारी चीजें जो है वो की जाती हैं। इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका डिटेल लेक्चर डाल दूंगी। फिर आता है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, तो आप क्रोमेटोग्राफी में TLC लगा सकते हो, TLC में आपको जो इंक के कॉम्पोनेंट है वो सेपरेट होकर दिख जाएंगे। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का भी यूज कर सकते हैं हम, इंक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में रख देंगे और वो क्या होगा, बैंड्स बनाएगी, अलग अलग बैंड्स में सेपरेट हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा। फिर लास्ट आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में हम डाई स्टेप्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और केमिकल नेचर पता करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री का यूज करके। क्लियर है, तो ये इतने एग्जामिनेशंस थे, इतने ही होते हैं और जो मेन है, बेसिकली जो मेन एग्जामिनेशन होते हैं। इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही मैं इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एग्जामिनेशन को नहीं समझाया है, अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली समझना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा अब हम आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको समझ में आ गई ये चीजें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं इसके जो नोट्स हैं मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।